हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिड़ हियर। वेलकम टू माय चैनल एबिराट स्टडी सेंटर। आज आम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कशन करवा। मिसलेनियस क्वेश्चन कहले देखो तो आम थ्योरेटिकली सब आम सीरियली डिस्कस कर सारी OSSTT एग्जाम पर, तो आम तार कर किसी आवश्यकता नहीं। जब आप देखी ना प्ले लिस्ट को जातु चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फॉर ऑल टेड एग्जाम प्ले लिस्ट बनाई आप देखिपर जी जो मैंने देखी ना। कौन भाव देखो OSSTT एग्जाम OSSTT एग्जाम जपर भाव क्वेश्चन आसी था से हिसाब से आम कौन कर मुझे कौन ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कसन करवा नहीं कि जब मल्टीपल चॉइस डिस्कसन कर जी हम जी क्वेश्चन मो पाखे बाहर से हिसाब से आप मैंने कौन करी आपण प्रोवाइड करी आपने देखीपर। एवं देखो आपण मन को हुए तो ये क्वेश्चन सा जनाशुना लगुत कि आपड़ी जानते रिविजन कर किसी असुविधा नहीं। रिविजन कले कौन असुविधा अच्छे ना कि आखिर आ गोटे अनुरोध करी आपड़ जो मैंने देखुं कि सब्सक्राइब करना तो प्लीज दयाकोरी आप सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन टी दबाई दिंतु। तो देखु प्रथम क्वेश्चन आ गोटे कथा आपड़ी PDF चाहते सीरीयली PDF चाहते तो टेलीग्राम चैनल रे आमर मु लिंक दे दूची डिस्क्रिप्शन रे आपण लिंक थ्रो रु आपण कौन करें टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे हैला। अब आमर क्लास शेड्यूल भी अच्छी स्क्रीन रे आपण मानकर मु एठी लिखी देउची देखंतु स्क्रीन रे 6:26 AM रे करंट अफेयर्स हबो जोटा कि मॉर्निंग सेशन रे एवं इवनिंग सेशन 6:26 रे हबो GK हैला। एवं नाइट रे आम करवा नाइट 9:26 हम CDP ये आम जो जहाँ आम यहाँ करुचु है मझीरे कौन करवा आम जदि पार डिस्कसन करवा आफ्टरनून रे इंग्लिश एंड ओडिया जो टाइम हम मुझे से कहीं आमर भी टाइम किसी कम अच्छे नहीं तो से मुझे करें। तो देखो प्रथम क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इम्प्लाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट कही कौन एक्सेप्ट कही मध्यर जोटा मल्टीपल इंटेलिजेंस अच्छे से फीचर्स नुहे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस देते किए हार्वर्ड गार्डनर देते ना ये आप लगभग समस्ते जानते। तो देखो मुझे ऑप्शन पढ़ दूसरे इंटेलिजेंस इज डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज बाय इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम एटा ऑब्वियसली प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही अच्छी। नेक्स्ट ऑप्शन डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर ऑफ वे बहुत प्रकार नंबर ऑफ वे मीन्स मल्टीपल जो डिसिप्लिन अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रो ए वैरायटी वैरायटी मीन्स वैरायटी ऑब्वियसली मल्टीपल इंटेलिजेंस रिलेटेड अच्छी ना नहीं। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ऑप्शन इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चनट ये कहीं इमोशनल ऑब्वियसली इमोशनल रिलेटेड हम बुझे कि नहीं। तो यहाँ माने जो अच्छी मल्टीपल इंटेलिजेंस रहा नुहे क्लियर मल्टीपल इंटेलिजेंस गोटे रिलेटेड नुहे तो ऑप्शन कौटा हो डी है। तो देखो आंसर ऑप्शन डी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सेंटर लर्नर सेंटर एजुकेशन आर लर्नर सेंटर एजुकेशन रे कार्डिनल प्रिंसिपल कौन कहूँ ऑप्शन लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय लिविंग बोथ या नॉन ऑफ दिस। तो देखो लाइव चैट रे आपण माने लिखिपर लाइव चलुची जदि तापर भी आप जो मैंने देखुं कमेंट बॉक्स रे भी लिखिपर मुझे रिप्लाई देवी जदि आपने कमेंट करेंगे आमको खुशी लगे तो आप कमेंट करूँ किपर क्लास करवा कौन डिस्कस करवा कथा ना गोटे टीचर एवं स्टूडेंट भितर किसी मानते कोऑपरेशन होगा कथा ना फ्रेंडली रिलेशन होगा कथा तापर आम कि जापर। तो देखो ऑप्शन आपरे तो यार आंसर कौन हो देखु ऑप्शन सी बोथ हो लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग एटा कार्डिनल प्रिंसिपल कहूँ लर्नर सेंटर एजुकेशन रे हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन डेक्स इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एप्लाई करिबा एवं नॉलेज को
ग्रहण करवा एक्वायर करवा संग्रह करवा सेविंग करवा जहाँ भी आम कहो तो यार कौटा पर्सनालिटी रोचे इंटेलिजेंट रोचे एप्टीट्यूड रोचे ना एटीट्यूड रोचे तो यार आंसर है ऑप्शन बी इंटेलिजेंट बुझिपारे ऑप्शन बी हम यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द र मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज र मटेरियल थिंकिंग कौन देखो र मटेरियल मटेरियल कह जो र मटेरियल अच्छी माने जमती कि देखो ये र मटेरियल अच्छी सिंबल्स अटे ना सिमेंटिक मैन या चाइल्ड कौटा यार आंसर कहतु लाइफ चाइल्ड रे आपण लिखि परबे तो यार आंसर जब देखु ऑप्शन ए सिंबल्स है र मटेरियल बुझिपारे तो सिंबल लेकर हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर फाइव डेक्स इज द रेशियो ऑफ मेंटल एज टू द क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाय बाय 100 कौटा आम कह इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोथ या नॉन ऑफ दिस जोटा आम कहूँ क्रोनोलॉजिकल एज सॉरी मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लाय बाय 100 आम जमी कौ देखो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 जोटा आम कौ ये कह रहा इमोशनल क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऑब्वियसली इंटेलिजेंट क्वेश्चन है इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहा गोटे कौन फॉर्मूला है किए देते यहाँ देते लुईस टर्मन ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑप्शन व्हिच वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग देखु ये आपश्चिन् टे आपड़े डिफिकल्ट लगुत मतलब बोधे जहाँ लगुच देखो आपण मैंने कौन करते मैचुरेसन को करेंगे मैचुरेसन या स्किल को आपण मैंने करेंगे किंतु से ऑप्शन हम सी कौन ऑप्शन हम सी जोटा कि आम कौ मैचुरेसन नहीं कि मैचुरेसन और स्किल भितर आप कौन अच्छी डाउट थी आपण मानक कि अधा अच्छा जो मैंने फिजिकाल स्ट्रक्चर करेंगे ना देखो लर्निंग कौन आम कौन देखो लर्निंग हूँ कि आम स्किल रू भी जानवे लर्निंग गोटे कौन स्किल कौन दक्षता तो लर्निंग ऑब्वियसली गोटे दक्षता नॉलेज ज्ञान लर्निंग फिजिकल स्ट्रक्चर भी हो पार लर्निंग कि मैचुरेसन जो अच्छे मैचुरेसन मतलब कौन ये मैचुरेसन अच्छे ये गोटे प्रडक्ट नुह बुझे कि जब फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब आम जब इंटेलिजेंट मैंने जी आम लर्निंग पढ़ा तो आम कौन हुए मैंने आम फिजिकाली टी स्ट्रंग रू तहत आम टे आम ढंग रंग हुए ना टी चेज हुए कि मैचुरेसन कौन मैचुरेसन मैंने जोटा ओबिययसली मैंने कौन आप पढ़ु लर्निंग हो न हो आप मैचुरेसन ही हम आप पांच वर्ष मन रखा आम जब पांच वर्ष कौन कह पांच वर्ष मैंने कथा आप मैंने कही सारी मैंने शिखुचु नहीं कि पांच वर्ष कथा आमर कौन हो मैंने आम पढ़ू न पढ़ू आम पांच वर्ष कथा विभिन्न प्रकार आगे आम कही पार ना नहीं कितने आम देखूँ 60 ओल्ड होगा 60 वर्ष हो मैचुरेसन आम मैचुरेसन ही आम पढ़ू न पढ़ू लर्निंग करू न करूँ बुझे कि नहीं कि गोटे प्रडक्ट प्रडक्ट मैंने प्रडक्ट जो लर्निंग अच्छे प्रडक्ट कौन कर मैचुरेसन तो करना मैचुरेसन कमी प्रडक्ट कर बुझे कि नहीं तो से मैचुरेसन हम ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज मीन बाय स्कीमा स्कीमार अर्थ कौन देखो ये बार बार क्वेश्चन आसा टी आप मन रखिए चंकिंग मेकानिजम लर्निंग टेक्निक ऑर्गेनाइज पैकेट ऑफ इनफॉरमेशन स्टोर इन लॉन्ग टर्म मेमोरी डिफेंस मेकानिजम स्कीमा कौन स्कीमा गोटे गोटे जिनिष को गोटे मानने जहाँ भी आम देखा ताको स्टोर करवा बुझिपारे कि नहीं जहाँ भी आम देखु ताकि स्टोर करुचु ना नहीं गोटे जिनस स्टोर करवा तो स्टोर करवा अर्थ कौन स्कीमा बुझिपारे कि नहीं तो विभिन्न प्रकार इनफर्मेसन आम माइंड रखा ताकि गोटे स्कीमा बुझिपारे कि नहीं तो ऑप्शन सी हो जाए यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
The process of expansion of an individual's capacities quantitatively should be termed. It is a most important question. Most important questions. देखो एटी आपण कह क्वांटिटेटिवली क्वांटिटेटिवली जब आप कहते कौन कहे ऑब्वियसली ग्रोथ ही देदेवे किंतु नहीं नहीं ये कौन कैपेसिटी रो क्वांटिटेटिवली जहाँ आम दक्षता है स्किल नॉलेज जोटा मुझे आगे कहती हाँ यहाँ जो कैपेसिटी है बढ़ला ऑब्वियसली क्या डेवलपमेंट हम ना ग्रोथ हम ग्रोथ जो ये कही था साइज क्वांटिटेटिवली बुझे कि हाइट देन ऑब्वियसली ग्रोथ होता है बुझिपार क्वेश्चंस को बुझाक पड़ो क्वेश्चन बुझ न बुझे आम करें बुझे तो यार आंसर है ऑप्शन ए डेवलपमेंट तो नाइन नंबर क्वेश्चन देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा जो अच्छी देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे एमती क्वेश्चन बनाऊँगी आपँ बहुत हेल्प दब आप जो एग्जाम देवे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आपको बहुत पसंद लगे बहुत आप बुझे कि सार कहीं एमती करते हैं डिफरेंट प्रकार क्वेश्चन अच्छी है तो से कह दयाक सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ सेयार करूँ सेयार तो करेंगे फ्रेंड मानक सेयार करूँ कहीं से भी जानव देखो क्वेश्चन ठीक से बुझे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौ जगह फंडामेंटली कम्प्लीट होता है देखो सोसाइटी और होम तो आपदेवे यहाँ समस्ते जानते फंडामेंटल जिनिस ओके किंतु क्लासरूम स्कूल रे एटा आपन मन कन्फ्यूज स्कूल रे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा फंडामेंटली कंप्लीट हुए ना क्लासरूम रे देखंतु तो यार आंसर मु आपन को दे देखंतु ऑप्शन ए क्लासरूम बुझि परले तो क्लासरूम रे ही कौन है थे ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा कंप्लीट होते है ला बुझि परले नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन मन स्कूल ही बाबू थे ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर देखो बोधे आपड़े जानते कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब लगेगा से रखिली सेल्फ सेंटर कोई जगह हुए इनफेन्सी इनफेन्सी कौन हुए ना इनफेन्सी के सेल्फ सेंटर हो पारे कहीं देखो गोटे जिनस को सी कौन कर मानने अनुसरण करें जमती करवा सेमती से कार्य कर सेल्फ सेंटर हो पार निज हिसाब से कम करें मुझे इनफेन्सी काटि दिंतु एडोलसेंस एंड एडल्टहुड एवं अर्ली चाइल्डहुड एटा आपण मानको नेक्स्ट क्वेश्चन माने ऑप्शन आपण को पाखरे दिंतु लाइव चैट रे एटा क्वेश्चन आपण माने आंसर दिंतु हला दिंतु दिंतु लाइव चैट चलु छी आपण माने दिंतु नले कमेंट बॉक्स रे लिखो तो आंसर कोन हो मु टिके पर आपण मानको आंसर कहिबे यस तो यार आंसर हो आर्ली चाइल्डहुड ओके आर्ली चाइल्डहुड कौन हुए सेल्फ सेंटर हो जाए शिक्षार्थी और आर्ली चाइल्डहुड कौन हुए लैपटॉप लैंग्वेज डेवलप हुए है यहाँ भी मन रखु आर्ली चाइल्डहुड सब प्री हुए प्री गेंग एज प्री कह स्कूल एज नहीं क्लियर तो यहाँ थी दस टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल दस टी भावतुनि ए बहुत कथा अच्छे नेक्स्ट पुणी आम क्लास करवा 9:26 मन रखु भूलबेनि रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ।